नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव। और इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से तूल पकड़ा हुआ है, गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरीके से बयान दिया है रियासत जम्मू कश्मीर की जनता पर कि कश्मीर में कल NSA डोभाल वहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों से बात करते हैं, खाना उनके साथ खाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उनके साथ बातचीत की जाती है, लेकिन एक सवालिया निशान गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीरियों पर छोड़ दिया। सर, बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो ये बयान दिया है बहुत ही अफसोसजनक है और निंदनीय है, क्योंकि मैं कहूँगा कि स्टार्ट से ही जब आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट में पेश किया गया, गुलाम नबी आज़ाद जी ने बहुत उल्टी सीधी बातें की हैं। लोग बोलते हैं पाकिस्तान बौखला के गया है, उसके बीच में घबराहट हो रही है। ये तो गुलाम नबी आज़ाद जी ने पार्लियामेंट में भी घबराहट दिखा दी और अभी ये वाली करके अपने देशद्रोह की बात कर दी है। मेरे ख्याल में ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर NSA वहाँ ग्राउंड रियलिटी पे गए हैं तो उन्होंने किसी को पकड़ के नहीं लाया, वो तो कोई भी थे और उनसे पूछा गया। और आप भी जो मीडिया में पिछले दो दिनों से देख रहे हैं, पूरा भारतवर्ष उल्लास में है, खुशी में है। आप देखोगे लद्दाख में वहाँ पर कितनी खुशी जाहिर की जा रही है, जम्मू रीजन के बीच में हो रही है, और ऐसा लाजमी है कि कश्मीर में भी ऐसा ही होना है। लेकिन जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल स्टंट खेलती हैं, तो वही लोग तीन हैं, एक कांग्रेस है, PDP है और NC है। ये लोग उस स्थिति को जो नियंत्रण में हो रही है, खुशी में आ रही है, उसको ना खुशी में करने। डिफेंस एक्सपर्ट राकेश शर्मा हैं और इन्हीं से बातचीत चल रही है, क्योंकि सर ग्राउंड पर हमने खुद देखा है कि आर्मी वहाँ पर है, किस तरीके से लोग वहाँ पर रहते हैं, जो इक्का दुक्का शरारती तत्व हैं वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता बहुत अच्छी है, जनता में बहुत भाईचारा है, लेकिन उसे ख़राब करने की कोशिश की गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर तैनात हैं और पिछले 15 दिनों के बीच में हमने बहुत एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज, यानी कि ये जो हमने आर्टिकल 370 को रिमूव करना था और जम्मू कश्मीर को विलय करना था पूरे भारतवर्ष के साथ में, उसके लिए हमने बहुत बड़ी प्लानिंग और सब एहतियात बरत लिए हुए हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वहाँ पर एडिशनल गई हैं, तो वो उनकी सेफ्टी के लिए, पब्लिक के लिए, कश्मीर की पब्लिक के लिए गई हैं, वो किसी को करने के लिए नहीं गई हैं। तो डर किस बात का, बल्कि डर तो दूसरे लोगों को लग रहा है। और मैं कहता हूँ कि हम सक्षम हैं, आर्म फोर्सेज सक्षम हैं। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बढ़ा गया हुआ है, सिविलियन के ऊपर टारगेट कर रहा है ताकि इंटरनेशनलाइज किया जा सके इशू, बैड एक्शन कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है, और व्यापार को रोक दिया गया। हाँ, व्यापार को रोक दिया गया। देखिए आप, व्यापार पहले भी जो पहले क्रॉस LOC जो ट्रेड हमारा था, उसके बीच में भी जो आपने देखा था कि बहुत पैसे का जो बेनामी ट्रांजैक्शंस होती थी वो होती थी, हथियार इधर उधर होते तो हमने बंद कर दिया था। और अभी ये दूसरा ट्रेड जो हमारा पाकिस्तान के साथ में है, पहले हमने उसको MFN स्टेटस दिया हुआ था, वो भी हमने पुलवामा के बाद में निकाल दिया था, उससे उसको झटका लगा है, वो इकोनॉमिकली पैर पे नीचे आ गया। और जो बचा खोचा हुआ ट्रेड था, उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क तो उसी को पड़ने वाला जो घुटने से ज़मीन पे लेटने वाला है। दुश्मनों से इस तरीके से हमले की बात हो सकती है, और लेकिन जब गुलाम नबी आज़ाद इस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, और आज वो खुद रियासत जम्मू कश्मीर की जनता से मिलने जा रहे हैं और स्पेशल तौर पर श्रीनगर जा रहे हैं, लेकिन उसी जनता पर आज एक सवाल या निशान छोड़ दिया, तो क्या जनता को सवाल नहीं पूछना चाहिए, जवाब नहीं मांगना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सवाल उन्होंने किए हैं और हमें जवाब चाहिए। और जनता जब कि अपने आप में खुशी जाहिर कर रही है, सेटल होना चाहती है, जो अनसर्टिनिटी थी, यानी कि जम्मू कश्मीर एक अनसर्टेन जगह में बैठा हुआ था, लोग बोलते थे कि हम अलग से अपना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएंगे, या हिंदुस्तान के साथ में जुड़ जाएंगे, आज उस सब अनसर्टिनिटी को ख़त्म कर दिया, तो ये खुशी उल्लास का मौका है। जब गुलाम नबी आज़ाद जी जैसे ऐसी बातें करते हैं, तो जनता को उनसे सवाल करने का ये एक अधिकार है कि आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो, आप हमारे बीच में मैं बोलूँगा र्यूमर्स क्यों बना रहे हो, क्यों बगावसी हमारी सी करा रहे हो, जबकि हम खुशहाली चाहते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, मैं शॉर्ट में बोलूँगा कि कश्मीर वैली में 70-75-80% लोग जो थे वो मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये जो अलगवादी वाले, हुर्रियत वाले, जमात वाले, इन्हीं लोगों ने उनको किया था, किसी को पत्थर पकड़ा दिया, वो करा दिया।
आप एग्जैक्टली सर, अब सवाल ये है कि जब आप वहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं तो आपने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, लेकिन क्या पत्थरबाज जो हैं वो भी पैसे लेकर पत्थर मारते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ये तो बिल्कुल बात है, पत्थरबाजों ने पैसे लेकर ही, बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई हुई थी इतने दिनों से, ये जो चल रही थी मिलिटेंसी चल रही थी, तो उनको बरगला के उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल इंडॉक्ट्रिनेशन करके, मैं तो बोलूँगा साइकोलॉजिकल कम और पैसे की ज़्यादा, बेचारों को गरीबी के बीच में चाहिए, तो उनको 500-1000 रुपया दे के पैसे से पत्थरबाजों को, स्टोन पेल्टर्स को किराया, कई लोगों को मरवाया। और आज कल का एक वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे, इसमें बहुत लोगों ने कंफर्म किया, कश्मीरी लोगों ने, कश्मीर की ये वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारे बच्चों को गिलानी साहब ने, इन्होंने बोला कि आप पत्थर मारो, आप उनको पैसे दिए, आपको आज़ादी दिलाएंगे ना, हमें इन्होंने आज़ादी दी, हमें डंप कर दिया, पाकिस्तान ने डंप कर दिया इनका सभी का बेड़ा। 370 और 35 से टूटने की बौखलाहट सामने आ रही है जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद अब यहाँ पर बयान दे रहे हैं। मैंने जैसे बोला, बौखलाहट ज़्यादा तो पाकिस्तान को है, लेकिन वो बौखलाहट वहाँ से टकरा के कुछ यहाँ पर अंदर आ गई है, और इसीलिए ये बौखलाहट जो आप दिखा कह रहे हैं, ये हमारी कांग्रेस पार्टी, जिसका कि उनको लग रहा है कि अस्तित्व ही मिटने वाला है, अभी गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी का उन्होंने अभी सुप्रीम बना दिया हुआ है, क्योंकि वही एक प्रवक्ता रह गए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए बोलना या करना है, तो ये जो आपने पूछा है बौखलाहट है, सच्चाई नहीं। बिल्कुल बौखलाहट जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं तो बहुत प्रश्न चिन्ह जो है, बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने कश्मीरियों पर छोड़ना है। अब कश्मीरियों को इस पर जवाब मांगने की ज़रूरत है कि आखिर राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं, क्या वो अपनी रोटियां सेकने की वजह से कश्मीरियों को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल का जवाब मांगना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल देखते रहिए JK News Point Live।